ऋषि दुर्वासा के भयंकर श्राप से उत्पन्न हुआ पेड़ जानिए पूजा में कैसे पूजनीय बन गया किला। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी रोचक है, जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसूया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। दुर्वासा क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था, लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। दुर्वासा ने दिया निर्देश, लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा, साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दे, मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। कंदली ने दिखाया आलस। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा पर अनुष्ठान का बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदलीफल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। कहते हैं केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु हरि का वास होता है। भगवत पूजा में इसका उपयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि और शांति का वर प्राप्त होता है। केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसके पत्तों को घर के प्रवेश द्वार पर शादी विवाह और कथा के दौरान मंडप बनाने के काम में लाया जाता है। केले के पत्ते पर भोजन ग्रहण करने वाले को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, गुरुवार को भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा में भी इसका महत्व है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है, केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।